हेलो एवरीवन नमस्कार आप सभी का बहुत स्वागत है यूजीसी नेट ट्रेडर ट्वेंटी फोर सेवन के प्लेटफॉर्म पर मेरा नाम है संस्कृति और आप सभी आ, जुड़े हुए हैं मेरे साथ एक बहुत ही खास मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए कि मैम यू जी नेट के लिए आप पढ़ाते तो हो वैसे मैं आपको बता दूँ इस इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले कि मैं आप सभी को यू जी सी एन नेट एग्जामिनेशन के लिए पेपर टू पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूं और इसके साथ ही साथ पेपर वन में यूनिट एट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ाती हूँ ओके okay, तो जब भी कभी हम यू जी सी नेट की बात कर रहे होते हैं है ना स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत 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 प्रिपेयर कर रहे हैं पर एक कन्फ्यूजन या एक इनसिक्योरिटी जो स्टूडेंट्स को बहुत हॉन्ट करती है वो ये है या कई बार ना उनको गुमराह भी कर दिया जाता है प्लीज डोंट माइंड ये शक्ल कुछ ज्यादा ही गोरी करती है है ना तो क्या किया जाता है बहुत ज़्यादा गुमराह कर दिया जाता है जैसे जैसे हमारी टीम जो है वो गुमराह कर रही है ठीक है कि अरे

जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कितना कितना सच है कितना है झूठ मेरे साथ तो बने रहिए और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सेशंस में और लाती रहूं तो आपको लाइक करना होगा और शेयर करना होगा इस सेशन को क्योंकि आपके समर्थन फीडबैक से ही मुझे पता चलता है कि मुझे ऐसे वीडियोज और बनाने हैं सबसे पहला प्रश्न जो कि जिसका जवाब देना बहुत ज़्यादा जरूरी है हाँ या ना में सब्जेक्टिव तरीके से नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव तरीके से इस कि क्या नेट के बाद डायरेक्टली जॉब मिल जाती है मैम नेट कर लिया मास्टर्स कर लिया नेट कर लिया इसके बाद कहीं कुछ ना कुछ क्या नौकरी मिल जाएगी है ना क्या नौकरियों के ऑप्शन है जहाँ हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अब हमें कोई एग्जाम नहीं देना आपके इस प्रश्न का जवाब है हाँ यस yes, जी नेट के बाद भी तो औरुट। असिस्टेंट प्रोफेसर को कंसिडर ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो नेट के बाद डायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है वो नेट के बाद एपी का एग्जाम दो, दो एक एग्जाम दो दो एग्जाम दो इंटरव्यू दो फिर नियुक्ति लो तो वो डायरेक्ट जॉब तो नहीं होती लेकिन नेट करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं एंड हम यहाँ पे दो तरीके से बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं आपके पास एंड प्राइवेट ऑप्शंस क्या क्या हैं तो डायरेक्ट आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो आपके पास गेस्ट लेक्चरार के लिए अप्लाई करने का क्या हो जाता है एलिजिबिलिटी हो जाती है बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी टीचिंग स्किल्स पर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर अपने सब्जेक्ट के कमांड के बेसिस पर क्या कर लेते हैं

डिग्रीज में बहुत उनकी एक एज होती है वो ऐसे नहीं है कि अठारह साल के सोलह साल के ऐसे नहीं है ठीक है तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बीएड वगैरह ऑलरेडी होते हैं फिर उनको लगता है कि नहीं उन्हें अपनी पढ़ाई को एक लेवल और अप करना है तो वो बीएड के बाद भी अपना नेट वग़ैरह करते हैं इन केस अगर आपके पास बी है मैं ये नहीं कह रही हूँ करना है मैं कह रही हूँ इन केस अगर आप उस स्टार्टा के एस्पेरेंट हो जिसके पास बी है ठीक है तो आप गेस्ट टीचर भी बन सकते हो आप गेस्ट लेक्चरार भी बन सकते हो ठीक है एक और ऑप्शन जो आपके पास ओपन होता है वो है रिसर्च असिस्टेंट का मल्टीपल मिनिस्ट्रीज आईआईटीज आई बहुत सारे जो नीति आयोग जैसे आयोग हैं ह्यूमन राइट कमीशन कमीशन जैसे से वहां पर और वहां पे आपके मास्टर्स के साथ आपका नेट मांगा जाता है ठीक है राइट मतलब कि आपके पास मास्टर्स हो एंड देन आपके पास उस सब्जेक्ट में अच्छा खासा कमांड हो अब ये सब पता करने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा वेबसाइट्स वगैरह टाइम टू टाइम चेक करते रहना पड़ेगा और कुछ ऐसे पोर्टल्स पे इस प्रकार की जानकारियां जो हैं वो आती रहती है आपको वो ढूंढना पड़ेगा स्वयं से क्योंकि आपका नीच अलग अलग है आपका पेपर टू अलग अलग है ठीक है राइट ये आपको करना पड़ेगा ठीक लेकिन बहुत सारी हो बहुत सारे लोगों का होता भी है इसके बाद एक और ऑप्शन है इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आप पीएसयू वगैरह में अप्लाई कर सकते हो ठीक है राइट बैंक बैंक में तो ऑप्शन हमेशा होता ही है कि आपको एग्जाम निकाल करके और इस तरीके से भर्ती ले लीजिए अगर आप सपोज साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो ठीक है ना आप साइकोलॉजी के नेट एस्पेरेंट हो आपका नेट हो गया तो उसके बाद भी बहुत सारे कंसल्टेंट की सरकार के तरफ से क्या आती रहती है भर्तियाँ आती रहती है जिसके लिए आपके नेट की जरूरत होती है मास्टर्स के साथ

बहुत सारे बहुत अच्छे वेल स्टेब्लिश रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है ठीक है आप वहाँ पढ़ा सकते हैं अच्छा खासा पैसा है अच्छा खासा एक्सपोजर है

बहुत ऑप्शन है एंकरिंग से लेकर के एडिटर से लेकर के बहुत सारे पोस्ट पर आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है अपनी चॉइस के हिसाब से अगेन प्राइवेट में यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी है तो जैसे लॉ वाले हैं वो लॉ फॉर्म वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं है ना इसके अलावा इकोनॉमिक्स वाले हैं वो वो भी मल्टीपल तरीके से प्राइवेट कंपनीज में भी क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं ठीक है राइट right? तो अभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया बट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं नेक्स्ट इज आप किसी पब्लिकेशन हाउस को ज्वाइन कर सकते हो नेट क्वालिफाई करने के बाद क्योंकि उनको चाहिए होता है सब्जेक्ट पे पकड़ जिनकी है वैसे स्पेशलिस्ट और ऐसे स्पेशलिस्ट जनरली वो कंसिडर करते हैं कि जिनका नेट एटलीस्ट क्वालिफाइड है ठीक है राइट देन आप थिंक टैंक्स वगैरह जो होते हैं आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो रिसर्च वगैरह के लिए आप यूट्यूब चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो एज अ एंकर या मैं ये कह रही चाहता हूँ तो फैकल्टी की तरह ज्वाइन कर लो या फिर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने वाले बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स होते हैं वहाँ पर भी कई सारे पोस्ट वगैरह निकलती रहती है आपकी स्किल के हिसाब से मल्टीपल चीज़ों के हिसाब से यू कैन ज्वाइन दम ठीक है ये भी एक ऐसा बहुत ओपन होता हुआ एरिया है विच यू कैन एक्सप्लोर और हो सकता है कि आपको घर बैठे ही काम मिल जाए आपको घर से ही काम करना हो राइट देन आपके पास एक सी एस आर वाला मॉडल होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जिसके थ्रू बड़े बड़े जो क्या हैं इंडस्ट्रीज हैं है ना ब्रांड्स हैं वो अपना सोशल वर्क का काम कर रहे होते हैं ठीक है राइट आप उनमें जा सकते हो तो एक मुझे जो पता है इट इज अक्षय पात्रा वालों का अपना चलता है देन uh, पिरामल वालों का चल रहा है एंड बहुत कुछ हो रहा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है जो आप एक्सप्लोर पता नहीं अनएक्सप्लोर्ड है लेकिन आप यहाँ पे भी जा सकते हो ठीक है राइट बहुत बढ़िया मतलब एक डिफरेंट अप्रोच के साथ आप यहाँ जा सकते हो एंड सोशल वर्क में तो आप ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शन है आप वहाँ पे भी एंटर कर सकते हो जो सोशल वर्क के ही स्टूडेंट है उनके लिए तो खैर पूरा एरिया ही पूरा फील्ड ही ओपन है लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप सोशल वर्क में भी मल्टीपल जो अच्छी पोजीशंस होती है ठीक है नॉट जस्ट एकदम इंटर्न से लेकिन अच्छी पोजिशन से आप स्टार्ट कर सकते हो तो नेट के बाद डायरेक्ट जॉब की अपॉर्चुनिटीज है ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा उस एग्जाम के साइकिल में फंसना पड़ेगा ठीक है नाउ इट इज ऑल अप टू यू कि आपको किस किस चीज़ों में इंटरेस्ट है आपको किधर किधर अप्लाई करना है या के के बाद बाद आपके 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 पास ये opportunities तो हमेशा open होती हैं आप आप लेकिन लिए लिए क्या हो जाता है आपके लिए? Assistant Professor के opportunity भी है भी कि net JRF के बाद, आप Assistant Professor का एग्जाम दो फिर आप इंटरव्यू दो, दोनों चीजों को क्वालिफाई करो फिर नियुक्ति लो ठीक है तो नाउ no, योर्स आपको किधर अप्लाई करना है क्या करना है मेरा काम आपको गाइड करने का था उम्मीद है कि आपको ये कन्फ्यूजन और ये डर ये फियर थोड़ा सा कम हुआ हो होगा कि नेट करने के बाद क्या करेंगे नेट करने के बाद भी नौकरी कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते और नेट करने के बाद सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही एक ऑप्शन नहीं है आपके पास ये पूरे ऑप्शन ओपन है और भी बहुत कुछ है आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत कुछ जानते समझते भी होंगे शायद मैंने जनरलाइज करने के कारण कुछ पॉइंट्स को मिस आउट कर दिया होगा ठीक है राइट right? तो एवरी right पर अवेलेबल है थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए अप्लाई करिए खुद पे विश्वास रखिए सारी चीजें बढ़िया ही होंगी ठीक है इसके अलावा अगर आप यू जी सी नेट जे आर एफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज में जिसके लिए आपको क्या करना होगा आपको अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के एप्लीकेशन पर जाना होगा अब यूजीसी नेट क्वालिफाई करने का एक फायदा ये होता है यार कि आप कहीं भी जा रहे हो ना तो आपको इंटरव्यू से लेकर के हर जगह पर एज ए कैंडिडेट एक एज मिलती है रीजन जस्टिफाइज योर डिग्री दैट जस्टिफाइज योर नॉलेज ठीक है तो इस यूजीसी नेट का ये बहुत बड़ा फायदा है कि आप कहीं भी जा रहे हो ठीक है आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो आप कहीं किसी टेक उसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो ना पोस्ट के लिए आपने अगर मैंशन कर दिया ना कि आपका नेट जा रहे हो भाई साहब आप देखो आपको आपको पहले प्रोवाइटी मिलेगी आपका इंटरव्यू आपसे क्योंकि दैट इज समिंग विच जस्टिफाइज योर नॉलेज ठीक है तो ऐसा नहीं है कि नेट कुछ भी लोग कह देते हैं डोंट थिंक अबाउट दैट ओके कोर्सेज में एनरोल करने का फायदा यह है मैं पहले आपको बता दूं कि जहाँ एक स्टूडेंट आपका कंपेटेटर एक दिन में एक बार पढ़ेगा है ना एक बार पढ़ रहा है सिलेबस ढूंढ रहा है किताबें ढूंढ रहा है यूट्यूब से वीडियो ढूंढ रहा है इस सर के उस मैम के इस प्लेटफॉर्म पर उस प्लेटफॉर्म पर आधा इधर से पढ़ रहा है आधा उधर से पढ़ रहा है या पढ़ रही है ठीक है जब आप कोर्स में इनरोल कर लेते हो आपके सारे टीचर्स पेपर वन प्लस पेपर टू के साथ में आपको पढ़ा रहे हैं

नीचे आओगे तो आपको यूजीसी दिखेगा यूजीसी न्यू मेगा पैक्स पर क्लिक कर लीजिएगा एंड व्यू ऑल कर लीजिएगा आप जिस भी पेपर के स्टूडेंट हैं कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स पे क्लिक करना इंग्लिश के हो तो इंग्लिश में होम साइंस के हो तो होम साइंस एजुकेशन तो एजुकेशन जोग्राफी हिस्ट्री पोलिटिकल साइंस सोशोलॉजी संस्कृत इकोनॉमिक्स हिंदी ईवीएस कॉमर्स मैनेजमेंट राइट कंप्यूटर साइंस ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं इंक्लूडिंग पेपर वन ठीक है तो हर कोर्स में करने का तरीका बिल्कुल सेम है मैं आपको बता कैसे करोगे इस तरीके से जो भी कोर्स में आपको एनरोल करना है उस पर कर लेना क्लिक ठीक है आपने कोर्स पे क्लिक कर लिया अब आप देखोगे कि जो छह महीने का कोर्स था वो आज आज के लिए आपको मिल रहा है कितने में आज आज के लिए आपको मिल रहा है बार बार बोल रही हूँ आज भी ऐसा हुआ कि कल मेरे कोर्स में मेरे ही कोर्स में पांच छह बच्चों ने एनरोल किया मतलब जिनके बारे में मुझे पता है अब उन्हें वाई सात सो बानवे नहीं लगाया उनको उतना मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिला ठीक है अभी ये सेवेंटी एट हंड्रेड का कोर्स है ना अप्लाई करने पे देखो सेवेंटी वन हंड्रेड का हो गया सीधे आठ सौ रुपये कम और अगर आप एप्लीकेशन से खरीदते हो तो ये कितना हो जाएगा एट्टी परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा और प्लस आप सुपर कॉइंस वगैरह यूज कर लेना और पैसे कम हो जाएंगे बहुत कम हो जाएंगे ठीक है तो फायदे का सौदा है बाकी अगर आपको कुछ और कूपन कोड लगा के महंगे में खरीदना है एम पे खरीदना है वो आपकी इच्छा है यूट्यूब से पढ़ना है वो भी आपकी इच्छा है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी करेंगे अपने जीवन के लिए बेस्ट ही करेंगे और बेस्ट ही सोचिए बेस्ट ही करें अपने कर्मों पे विश्वास रखिए बस वही सबसे बड़े हैं और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं ठीक है तो अगर आप सभी ऐसे वीडियोस और चाहते हैं कि मैं और लेकर के आऊँ फ्रीक्वेंटली तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिए क्योंकि आपके लाइक्स एंड शेयर्स डिसाइड करेंगे कि ऐसे प्रोडक्टिव येट यूनिक वीडियोज मैं और लाऊंगी या नहीं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी कॉल प्लस यू ऑल